छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर आदिवासी युवती से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। अब इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है और आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर सभी जगह नारायण चंदेल का पुतला दहन किया जाएगा। कांग्रेस जहां आरोपी पलाश चंदेल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए जाने की मांग शुरू कर दी गई है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि नारायण चंदेल अपने फरार बेटे को खुद सामने लेकर आए। वहीं कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि नैतिकता दिखाते हुए नारायण चंदेल को खुद अपने बेटे को पुलिस के सामने सरेंडर कराना चाहिए। पूर्व मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र चंदेल जी को स्पष्ट तौर पर स्वयं होकर आगे आकर के इस पर कार्यवाही करा लेनी चाहिए। तत्काल चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटा देना चाहिए। जिस आदिवासी बच्चे के साथ इस प्रकार दुर्गत व्यवहार हुआ है, तत्काल भारतीय जनता पार्टी उसको इस्तीफा ले और नहीं तो इस्तीफा खुद देना चाहिए, नहीं तो इसका बड़ा आंदोलन होगा। जानकारी लगी है, उनसे भी बातचीत किए हैं, तो अभी इस मामले में पूरी जानकारी हम लोग को नहीं आई, हम लोग ट्रेन में थे। देखिए, आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, आरोप लगे हैं, आरोप की जांच हो रही है, जांच होगी, न्यायालय है वो तय करने वाले। ये कौन होते हैं? न्यायालय के अधिकारी इनके पास आ गया क्या?